फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपी इंग्लिश फ्रॉम बीनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 58, जहां पर हम देखेंगे कुड हैव थर्ड फॉर्म को यूज एक्टिव में और पैसिव में कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुड हैव थर्ड फॉर्म को इसके पहले भी लेसन नंबर 19 में देख रखा हुआ है, जहां पर इसकी हिंदी क्या थी कि मैं किसी काम को कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। तो आपको माइंड ये करना होगा कि पास्ट का ऐसा कोई काम जिसको हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, उसी के सेंस में कुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो कुड हैव थर्ड फॉर्म होता है ना, ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस रखता है। इसमें हमें नॉट लगाने की जरूरत या फिर बट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं आपसे कहता कि आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश, तो हिंदी क्या होगी कि मैं अंग्रेजी सीख सकता था लेकिन नहीं सीख सका। तो माइंड ये कीजिएगा कि कोई भी काम जिसको हम कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर सके या फिर हम नहीं कर पाए, कोई कारण या कोई मजबूरी हो सकती थी। और उसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, कुड हैव थर्ड फॉर्म का। तो पास्ट का ऐसा कोई काम जिसको आप कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, उसके अंग्रेजी बनाने के लिए हमें कुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। अब फ्रेंड्स, इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि वेन, अच्छा नाच सकता था लेकिन नहीं नाच सका। अब यहां पर मैं सका बोलूं या फिर पाया बोलूं, एक ही बात है, इस बात को माइंड करके रखिएगा। तो हमारे पास सेंटेंस है कि वह अच्छा नाच सकता था लेकिन नहीं नाच सका। अब फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना है कि ना तो हमें लेकिन की अंग्रेजी बनानी है और ना ही यहां पर हमें नहीं की अंग्रेजी बनानी है। हमें ना तो नॉट लगाना और ना ही बट लगाना है। इस कुड हैव थर्ड फॉर्म का मतलब पूरा का पूरा होता है कि कोई काम है जिसको मैं कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। अब फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को अगर मुझे बनाना होता तो मुझे क्या रखना होता, सब्जेक्ट, जो कि यहां पर कौन हो गया, ही। इसके ठीक बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पर, कुड हैव। अब हमें रखना है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या थी, नाचना, और नाचना को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, डांस। तो हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म रखनी है, तो क्या रखना होगा, डांस। और उसके बाद यहाँ पर क्या रखना है, वेल। वेल का मतलब क्या हो गया, अच्छा। सेंटेंस बन चुका है कि ही कुड हैव डांस्ड वेल, और हिंदी क्या होगी कि वह अच्छा नाच सकता था लेकिन नहीं नाच सका। इसमें फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर मैंने आपसे कहा होता कि वह लेखक बन सकता था लेकिन नहीं बन सका या फिर नहीं बन पाया, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। अब अगर सेंटेंस को बनाना है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होता है, जो कि ही है, हमने पहले ऐड करके रखा है। फिर क्या रखना था, कुड हैव, वो भी ऐड किया। अब हमें रखनी है क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहां पर हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या है, बनना। और इस बनना के लिए या तो हम बी लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, बिकम। दोनों एक ही बात है, आप दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो। तो सेंटेंस क्या बनने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। ही कुड हैव और बनना के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगा दिया, बी। आप चाहो तो बिकम का भी यूज कर सकते हो, बिकम, बिकेम, बिकम। बिकम हमारी थर्ड फॉर्म होती है और उसका मतलब भी क्या होता है, बनना। तो सेंटेंस पूरा क्या बनने वाला है, ही कुड हैव बिकम अ राइटर, वह लेखक बन सकता था नहीं बन पाया। और आप इसी सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो कि ही कुड हैव बीन अ राइटर, वह लेखक बन सकता था लेकिन नहीं बन पाया। और फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके से मैंने आपसे कहा होता कि आई कुड हैव स्पोकन द ट्रुथ, तो हिंदी क्या होगी कि मैं सच बोल सकता था लेकिन नहीं बोल पाया। आई कुड हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, तो मैं नया मोबाइल खरीद सकता था लेकिन नहीं खरीद पाया। एक एग्जाम्पल फ्रेंड्स और देखते हैं। यदि मैंने आपसे कहा होता कि वह ताजा भोजन बना सकता था लेकिन नहीं बना सका, और इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होगा। रख दीजिए आप सब्जेक्ट को, यहां पर क्या रखा हम लोगों ने, ही। इसके ठीक बाद यहां पर क्या होगी हमारी, कुड हैव क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। अब रखनी है क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या थी यहां पर, बनाना। और इसके लिए या तो हम कुक का यूज करेंगे या फिर मेक का भी यूज हम कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बनने वाला है, ही कुड हैव कुक्ड फ्रेश फूड, F-R-E-S-H, fresh, and then food. तो he could have cooked fresh food, वह ताजा भोजन बना सकता था लेकिन नहीं बना सका। और फ्रेंड्स,
अब बात करते हैं क्या पैसिव सेंटेंस की, तो हिंदी क्या है कि कोई काम है जिसको किया तो जा सकता था लेकिन नहीं किया जा सका। ठीक, इसका पैसिव कैसे बनेगा वो हम समझने जा रहे हैं। तो अगर फ्रेंड्स इसी सेंटेंस को मैं पैसिव में लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि उसके द्वारा ताजा भोजन बनाया जा सकता था लेकिन नहीं बनाया जा सका। तो उसके द्वारा ताजा भोजन बनाया जा सकता था लेकिन नहीं बनाया जा सका, और ऐसी कंडीशन में सेंटेंस तुम्हारा पैसिव का हो गया। अब अगर ये सेंटेंस पैसिव का है तो सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट रखना होगा जो कि यहाँ पर क्या है, ताजा भोजन। तो हमें यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, फ्रेश फूड, एफ आर ई एस एच फ्रेश, फिर क्या ऐड करेंगे, फूड। और उसके बाद क्या रखना होगा, कुड हैव, ये हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आपको माइंड ये करना है कि अब हमारी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ कुड हैव नहीं है, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुड हैव बीन। तो यहाँ पर बीन को हमें ऐड करना ही होगा, अगर सेंटेंस पैसिव का है तो हर हाल में हमें रखना ही है बीन। तो सेंटेंस क्या बनेगा, फ्रेश फूड कुड हैव बीन कुक्ड, और बाय के बाद क्या आ जाएगा, हिम। तो हो गया हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट, फ्रेश फूड कुड हैव बीन कुक्ड बाय हिम, और हिंदी क्या होगी कि उसके द्वारा ताजा भोजन बनाया जा सकता था लेकिन नहीं बनाया जा सका। अब फ्रेंड्स अगर आप प्रैक्टिस की है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर मैंने आपसे कहा होता कि सी कुड हैव स्पोकन द ट्रुथ तो वह सच बोल सकती थी लेकिन नहीं बोल पाई, और इसका पैसिव करेंगे तो क्या बोलेंगे, द ट्रुथ कुड हैव बीन स्पोकन बाय हर, उसके द्वारा सच बोला जा सकता था लेकिन नहीं बोला जा सका। अगर मैंने आपसे कहा होता कि पापा कुड हैव संग अ सॉन्ग तो हिंदी क्या होगी, पापा गाना गा सकते थे लेकिन नहीं गा सके, और पैसिव करेंगे तो क्या होगा, अ सॉन्ग कुड हैव बीन संग बाय पापा, पापा के द्वारा गाना गाया जा सकता था लेकिन नहीं गाया जा सका। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।